सो गाइज व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। इसमें रेगुलर हमारी ऑडियो वीडियो इमेजेस डॉक्यूमेंट स्टेटस वॉइस मैसेज स्टिकर्स गिफ्ट्स ऐसी ऐसी चीजें जो आपको भी नहीं पता रेगुलर भरती रहती है भैया, छुपती रहती है हमारे फोन में। तो गाइज आज मैंने आपको एक व्हाट्सएप क्लीनर के बारे में बताया है जिसके अंदर आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि व्हाट्सएप फोल्डर में होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हिडन होती है जो वहां पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आप यहां पर देख सकते हो। जो जो आप चाहो वो आप डिलीट कर सकते हो एक्सेसिबल तरीके से, एक फाइल को भी पूरे फोल्डर को भी, और अपनी स्टोरेज को खाली कर सकते हो गाइज, अपने फोन को फास्ट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का नाम है क्लीनर फॉर व्हाट्सएप, इसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर करना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही मस्त मस्त वीडियोस आती रहेंगे गाइज। लाइक की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपकी ओर से, सभी लोग लाइक का बटन जल्द से जल्द दबाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ पर बता दूं, मैं स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड पर आज एक और बार फिर से एक बेहतरीन वीडियो अपलोड हो चुकी है। मतलब गाइज अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए ATM जाना है ना, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं। अब भैया पैसा है नहीं जेब में, अब तो निकालने के लिए ATM की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो ATM तक कैसे जाएं भैया? ये बिस्कुट खरीदने से पहले, किराने की दुकान जाने से पहले ATM तो जाना जरूरी है ना। तो वो गाइज उस वीडियो में बताया है कि आप एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होकर भी ATM तक कैसे जा सकते हो बिना किसी की सहायता के, है ना। तो भाई उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ देखो, मज़ा आपको आने वाला है उस वीडियो में भी गाइज। उस चैनल पे ऐसी ही और मस्त मस्त वीडियोस आने वाली हैं, मतलब बहुत भरपूर आपको मज़ा आएगा और इतना कुछ सीखने को मिलेगा, तो क्या इंतज़ार करो, जल्दी जाओ उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइज हम ओपन कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन क्लीनर फॉर व्हाट्सएप को, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप WhatsApp बिजनेस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, WhatsApp के लिए WhatsApp बिजनेस, यहाँ पर दोनों भी आपको WhatsApp बिजनेस लिखे हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो पहले वाला है वो WhatsApp है नॉर्मल, दूसरा WhatsApp बिजनेस है, तो हम WhatsApp पे क्लिक करेंगे। तो दे दो भैया परमिशन, दे देते हैं इसको। नीचे यूज दिस फोल्डर आएगा है ना, यहाँ पर जहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर में अलाउ क्लीनर फॉर व्हाट्सएप टू एक्सेस अलाउ करेंगे, कैंसिल अलाउ, ग्रेट, प्रेस डन टू कंटिन्यू, डन करेंगे, डन बटन, क्लीनर फॉर व्हाट्सएप। तो अब ये हमारी ओपन नेविगेशन ड्रॉअर बटन एप्लीकेशन जो है गाइस ओपन हो चुकी है। ओपन नेविगेशन ड्रॉअर में जो है कुछ नहीं है ज्यादा, है ना, तो जस्ट इग्नोर। क्लीनर फॉर ग्रेट अस अपग्रेड टू प्रीमियम मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शन में जो है यहाँ पर सेटिंग्स है, उसमें कुछ नहीं है, शेयर और शेयर है, स्टॉप बस। क्लीनर फॉर 3.49 जीबी 3919 फाइल्स फाउंड। अब यहाँ पर 3.4 कुछ जीबी यहाँ पर व्हाट्सएप का जो पूरा फोल्डर है उसी की है, मतलब मेरे पूरे फोन में व्हाट्सएप जो मैंने डाल के रखा है उसने लगभग 3.4 GB इस्तेमाल की है, और कितनी फाइल है 3919 फाइल्स हैं सबको मिलाकर। ये क्लोज करेंगे, इनके ऐड आ रहे भैया। अब गाइज आगे ना यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट ऑडियो वीडियो वॉइस मैसेज स्टेटस स्टिकर ऐसी ऐसी चीजें जो आपको फोल्डर में भी नहीं देखने को मिलती, हिडन चीजें, वो भी आगे दिखाई देंगी, है ना, वो क्या है, कितनी उनके अंदर फाइल्स हैं और कितनी जीबी उन्होंने घेर के रखी है। जैसे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट बता रहा है 78 फाइल्स हैं, 1.2 GB इन्होंने घेर के रखी है। अब जिन जिनको आपको सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो, है ना। अगर आपको पूरा जो फोल्डर है या डॉक्यूमेंट सारे या कोई भी वॉइस में से एक साथ डिलीट नहीं करना है, आप इसी फोल्डर के अंदर जाकर भी यहाँ पर जैसे हम डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में गए इसके अंदर की सारी फाइल्स आ गई है ना, तो जो जो आप डिलीट करना चाहते हो उसको हमको सिलेक्ट करना है। CSR first सिलेक्ट किया हमने लॉन्ग प्रेस करके, दो तीन सेट की, अब लास्ट में हमें जो है डिलीट का बटन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको रिसीव्ड फाइल चाहिए ही या डुप्लीकेट फाइल चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पूरे एक्सेसिबल तरीके से टैब है किस किस प्रकार के आपको फाइल चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो है डिलीट बटन आ रहा है, जो जो हमने सिलेक्ट की है
मूव टू, यहाँ से आप इसको गाइज किसी और डायरेक्ट एक्स फोल्डर में भी मूव कर सकते हो। ये फीचर इसलिए है, मान लो आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट दो तीन फाइल्स हैं वो अपने इम्पोर्टेंट फोल्डर्स में रखनी है, बाकी आप डिलीट कर सकते हो, है ना। तो टू आइटम सिलेक्टेड है, 97 MB, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सारी आइटम सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से गाइस आप एक्सेसिबल तरीके से किसी फाइल फोल्डर के अंदर जा जा कर भी उसको डिलीट कर सकते हो, अगर आप सब कुछ एक साथ डिलीट नहीं करना चाहते। और देखते हैं, बैक करेंगे यहाँ से, ऑडियोज बता रहा है यहाँ पर 300 कुछ ऑडियो, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। व्हाट्सएप वीडियोज है 61 फाइल्स, डेटाबेसिस जो आपका लोकल बैकअप बनता है वो है ये। भैया 3200 फाइल इसमें भरी पड़ी है। हर ब्लाइंड लोग तो भैया वॉइस मैसेज में ही करते हैं, टाइपिंग में हम लोगों में अच्छा ही लगती बात करती हुई, तो यहाँ पर वॉइस मैसेज इसलिए मेरे बयान भरे हुए हैं 3200 है। कई जो भी मैंने एक हफ्ता पहले डिलीट किए थे, आप यहाँ पर इसके अंदर जाकर देखिए सारी फाइल आएंगी, है ना। तो ये सारी फाइल्स हैं, चला भी सकते हैं अपन, चल रहा भैया, किसका वो समझिए भैया, बैक कर दो। यहाँ पर गाइस फाइलें चलती भी हैं, तो हमारे विकास सर आ गए हैं, है ना। तो मिलाकर गाइस यहाँ पर फाइल चलती है, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल बटन है, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करके सब डिलीट कर सकते हो, पूरा जो है एकदम खाली हो जाएगा सब कुछ। बैक करेंगे, जैसे हम इसको जो है सेलेक्ट कर ही लेते हैं, इमेजेस भी, स्टेटसेस भी आ रहे हैं, देखिए स्टिकर्स है, गिफ्ट्स है, ये कहाँ चाहिए हमको, वॉलपेपर है, प्रोफाइल फोटोज है। चलिए हमको जो जो सिलेक्ट करना है हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल फोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर हमने वॉलपेपर सिलेक्ट किए, स्टिकर्स करेंगे, गिफ्ट कर दिए, स्टिकर कर दिए, है ना, स्टेटस लगा लीजिए, वो इसमें सेट करेंगे। अब ये सब हमको जो है डिलीट करना है, नीचे जो है यहाँ पर जहाँ पर वॉइस मैसेज वाला बटन आता है बॉटम राइट कॉर्नर में, है ना, यहाँ पर क्लियर सिलेक्टेड डेटा आएगा, इस पे क्लिक करते हैं। जय माता दी, कंफर्मेशन है, है ना, परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्लीनिंग लिखा है, 0% प्रोग्रेस बार, हो गया भैया साफ, सिलेक्टेड फाइल्स डिलीटेड सक्सेसफुली, क्लीनर फॉर व्हाट्सएप, ओपन नेविगेशन ड्रॉअर बटन, सिलेक्टेड फाइल्स, क्लीनर फॉर व्हाट्सएप का पारस भर दो, जो मेरे को याद कर रहा है, रिव्यूज आर पब्लिक, ये तो रेटिंग देने के लिए आ रहा है। तो गाइस डिलीट हो चुके हैं, अब देखते हैं ऊपर कितनी जीबी दिखा रहा है व्हाट्सएप, अपग्रेड टू 3899, ये रिफ्रेश करेंगे इसको हम, जीबी 3.49, 3895, बैक करके दोबारा आएंगे, तो हम देखते हैं कितनी जीबी यहाँ पर दिखा रहा है, कि कुछ डिलीट हुआ है नहीं, कैलकुलेट हो रहा है ये, अब देखते हैं, यहाँ पर ये जो है रिफ्रेश होने में थोड़ा समय लगाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज है ना जो डिलीट हो चुके हैं। और अब आप इस प्रकार गाइज अपनी जो फाइल्स है उनको डिलीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। जो कन्फर्मेशन यहाँ पर आया था उसको आपने आप कंफर्म भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, है ना, मैंने कैंसिल किया कंफर्म पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। इस तरह से आपको करना है, बहुत सिंपल है गाइज, है ना, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपके जो व्हाट्सएप में फोल्डर होता है ना उसके अंदर जो सारे फोल्डर होते हैं चाहे हिडन हो चाहे नॉर्मल हो, सारे फोल्डर दिखाएगा, आप उसके अंदर जा जाकर जो फाइल डिलीट करना चाहो वो कर सकते हो, डायरेक्ट सारा फोल्डर ही डिलीट कर सकते हो। तो ये गाइज एक, इसमें एक और ऑप्शन भी है कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, लेकिन वो प्रीमियम पे आता है, बाकी आप ऐड देखकर भी इसका यूज कर सकते हो, काफी सिंपल है यूज करना गाइज, आप यूज करके तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो गाइज कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन व्हाट्सएप क्लीनर है, और व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है गाइज जो रेगुलर हम भरते हैं अपने फोन में, रेगुलर चीजें आती है उसके अंदर, और इसी के कारण हमारे फोन की बहुत सारी स्टोरेज भी भरती है। तो उम्मीद है आप इसका यूज करेंगे और अपने व्हाट्सएप को जो अनइम्पोर्टेंट का इंग्लिश है भैया मेरी, मैं तो यही बोलूंगा, जो कि आपकी अनावश्यक फाइलें हैं आप उनको डिलीट कर सकते हो।
तो उम्मीद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कैसे कि आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पे से जुड़ सकते हो, फीमेल्स ग्रुप में जुड़ना चाहते हो वो भी वहां से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।